आप देख रहे हैं जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज, क्योंकि हम में है सच दिखाने का दावा। देश में बढ़ती डीजल पेट्रोल की कीमतों, कांग्रेस के विधायक के साथ हो रही भेदभावपूर्ण कार्रवाई और गलत तरीके से कांग्रेस के विधायक की खरीद फरोख्त कर साजिशपूर्ण तरीके से कांग्रेस सरकार गिराकर की गई लोकतंत्र की हत्या। विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के संपूर्ण जिला विकास खंड स्तर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन और काले झंडे लेकर रघुपति राघव राजा राम का संकीर्तन करते हुए रैली निकाली गई। पूज्य महात्मा गांधी के सामने माल्यार्पण कर पुराने बस स्टैंड परिसर में भाजपा की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा, प्रदेश सचिव दीवान शैलेन्द्र सिंह, किसान कांग्रेस के संतोष पटेल, महिला कांग्रेस की शोभा डाली जैन और सभी सेक्टरों के अध्यक्ष कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 100 दिन हो गए हैं, लेकिन जनता के हित में, जनता के लिए किसी प्रकार की राहत इन्होंने नहीं दी है। सरकार बनने के बाद लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि, आम जनता में जो रोष व्याप्त है उसके लिए हम लोग आम जनता के साथ आज एक सरकार के खिलाफ में खड़े हुए हैं। वो जनता के लिए मांग करते हैं कि इस कोरोना के भीषण संकट में लोगों की मदद करें जी, लोगों के लिए अच्छी योजनाएं बनाएं। ग्रामीण जनता, आज बरसात लगने वाली है, महामारी और बढ़ेगी, इसके उपाय करें। इन्होंने लगातार 100 दिन तक केवल आपसी लड़ाई में खराब किए हैं, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। मनमोहन सिंह सिंगल सरकार चल रही है, कोई आदमी सुनने वाला नहीं है, कोई विभाग नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। इस मध्य प्रदेश की जनता पहली बार इन 3 महीनों से अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। कोई अपना दर्द बताने, अपनी समस्या बताने कहाँ जाए, जो केवल आपस की लड़ाइयों में लगे हैं। इसलिए हम लोग आज उनका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ में निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं कि प्रदेश की जनता के साथ अच्छा न्याय करें, अच्छे काम करें, नहीं तो और आने वाले समय में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर आज हमारे प्रदेश सचिव भाई दीवान शैलेन जी, प्रदीप जी, संतोष पटेल जी, कमलेश बजाय, सब लोग पार्टी के पदाधिकारी, चुने हुए निर्वाचित, सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। निश्चित ही आने वाले समय में इस मध्य प्रदेश में अगर जरूरत पड़ेगी जनता के हित में, एक हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, यहाँ से लेकर भोपाल तक इस सरकार को हिलाएंगे। तेंदुखेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट।